हेलो व्यूअर्स, आज हम एम्स बीएससी नर्सिंग ऑनर्स की एक नई न्यूज़ के बारे में जानने जा रहे हैं कि बेसिक रजिस्ट्रेशन की डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है। ये उसका ऑफिशियल नोटिस है, ऑफिशियल लेटर है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से है। तो आइए देखते हैं। एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉलोड बाय जनरेशन ऑफ कोड एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स लीडिंग टू एडमिशन इन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2019 ऑफ एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स। हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन, अब बेसिक रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है ये सब इसमें बताया गया है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द 12th क्लास अंडर द 10+2 स्कीम, 10+2 होना चाहिए, 10+2 सर्टिफिकेट होना चाहिए कैंडिडेट के पास, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और इंटरमीडिएट साइंस और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एनी इंडियन स्टेट विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और वो कैंडिडेट, उसके पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होनी चाहिए, उसने 11th 12th में ये सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए एंड हैज़ अ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। और जितने एग्जामिनेशन में मार्क्स क्वालिफाई के लिए मांगे गए हैं 55%, उतने सारे सब्जेक्ट में होने चाहिए। अब जैसे फिजिक्स में भी 55%, केमिस्ट्री में भी एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश में भी। एंड फॉर जर्नल फॉर ओबीसी और 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए एससी एंड एसटी कैटेगरीज के लिए। हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड आर एलिजिबल फॉर बीएससी पैरामेडिकल बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आइदर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स विद 50% और जर्नल ओबीसी एंड 45% इन केस ऑफ SC ST। अगर SC ST है तो 45% मार्क्स होने चाहिए एंड अगर जनरल और OBC हैं तो 50% मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। और इनके पास केमिस्ट्री, इंग्लिश, फिजिक्स एंड बायोलॉजी और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स होने चाहिए। हु कैन अप्लाई फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड आर एलिजिबल फॉर बेसिक नर्सिंग पोस्ट बेसिक सेशन। अब BSc पोस्ट बेसिक कोर्स के लिए कौन कौन रजिस्टर कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। द कैंडिडेट हु हैव 12th क्लास अंडर 10+2 स्कीम सिस्टम ऑफ एजुकेशन और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, दोज हु हैव पास्ड 10+1 ऑन और बिफोर 1996 आर ऑल्सो एलिजिबल। कैंडिडेट ने 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 का यानी 12th पास होना चाहिए, या फिर अगर 1986 डेट ऑफ बर्थ से पहले वाला कोई कैंडिडेट है तो उसका 10+1 भी मान्य होगा फॉर पोस्ट नर्सिंग पोस्ट बेसिक। डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन काउंसिल, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में और मिडवाइफरी में, इसका डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एज नर्स RN RM यानी रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये भी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए जा सकते हैं। इन केस ऑफ मेल्स, मेल नर्सेज, अब जो मेल नर्सेज की बात हो रही है जिसमें मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ पास्ड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इंटीग्रेटेड कोर्स इन 2003, बिसाइड बींग रजिस्टर्ड एज अ नर्स विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल शुड हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग, उनके पास एक जनरल नर्सिंग का ट्रेनिंग, मिडवाइफरी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग इन एनी सब्जेक्ट आउट ऑफ फॉलोइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months, OT टेक्निक्स, ऑप्थेलमिक नर्सिंग, लेप्रेसी नर्सिंग, TB नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग, न्यूरोलॉजिकल एंड न्यूरोसर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कैंसर नर्सिंग, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, या फिर इनमें से किसी कोर्सेज का 6 महीने का आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए।
या इनकी ट्रेनिंग ली होनी चाहिए, वो भी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स, अब बेसिक रजिस्ट्रेशन जो था आपका उसकी डेट एक्सटेंड हो गई थी बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2019। स्टार्ट डेट है आपकी 30 नवंबर 2018, क्लोजिंग डेट है 14 जनवरी 2019। स्टेटस अपडेट आपकी करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज, फिर उसके बाद करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज का स्टेप होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका फाइनल स्टेटस का कि आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हुआ है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है आपको पता चल जाएगा। अपलोडिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, अपलोडिंग होगी उसके बाद, फिर होगा जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, फिर आपका कोड जनरेट होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जिनका कि बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो चुका है, उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, सिर्फ उन्हीं के लिए जनरेशन कोड जनरेशन होगी। फिर उसके बाद होगा फाइनल रजिस्ट्रेशन जिसमें आपका पेमेंट ऑफ फी एंड सिटी चॉइस, उसमें आप सिटी चॉइस करेंगे एंड फी पेमेंट करेंगे। ओनली फॉर दोज हु हैव जनरेटेड कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन, ये भी सिर्फ उनके लिए है जिनका कोड जनरेशन हुआ था फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, आपकी जो डेट एंड टाइम है बीएससी नर्सिंग का वो आपका एज इट इज सेम रहेगा, पोस्ट बेसिक के लिए है 1 जून 2019, ये है आपका सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, 10 AM to 11:30 AM। डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज, आपका जो पैरामेडिकल कोर्सेज का एग्जामिनेशन होगा वो होगा 15 जून 2019, ये भी सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक। यहाँ पे PM लिखा है, AM होगा। डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी नर्सिंग, अब बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए आपका जो एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम है वो है 23 जून 2019, ये होगा आपका 2 घंटे का एग्जाम होगा, 10 to 12 यानी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक।